अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बाकर अली। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एआई को यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मॉडल्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं, ये एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर मॉडल्स हैं, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। नीचे आते हैं, ये भी देखते हैं और ये चेक करते हैं। ठीक है, आप भी एआई को यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मॉडल बना सकते हैं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देख लेते हैं। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं, ये भी रियल नहीं है, ये भी एआई जनरेटेड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मॉडल्स हैं, ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। इसके अलावा इसको भी देख लेते हैं, ये देखें, ये भी वही चीज़ है। तो आप भी इस तरह के जो है इन्फ्लुएंसर मॉडल्स बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह के इन्फ्लुएंसर मॉडल्स कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो इस तरह के जो है मॉडल्स बनाने के लिए हमें जो है एक कुछ मॉडल्स चाहिए होंगे, वो हम कहाँ से लेंगे? आपने आना है एक वेबसाइट पर, उसका नाम है ये leonardo.ai। तो जब आप ये वेबसाइट पर आएंगे, आपने स्टार्ट यूजिंग लियोनार्डो पर क्लिक करना है। यस, आई एम वाइट लिस्टेड। फर्स्ट नेम और ईमेल आपने यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद अकाउंट में इन कर देना है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि ज्वाइन लियोनार्डो डॉट ए आई ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आपने उनको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल में आपने जो है इस अकाउंट को वेरीफाई करना और फिर आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है फोटो रियल पर क्लिक करना है, जनरेट विद दिस मॉडल। फिर आपने इसको क्लोज करना है। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट करें। ठीक है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोट जनरेशन। तो जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आपको देगा, फिर आपने नीचे आना है और व्यू मोड पे क्लिक करना है। व्यू मोड में आप देख सकते हैं कि आपको जो है डिफरेंट इमेजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने वही वाली मॉडल चूज़ करनी है जो डायरेक्टली आपको वॉच कर रही है और फेस कर रही है। ठीक है, ये देखें, ये साइड में इसको आपने नहीं चूज़ करना है, ये आप कर सकते हैं, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, फिर आप ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो है मैं ये वाली जो है उसको चूज़ करता हूँ। फिर आपने रिमिक्स पे क्लिक करना है, जो ओल्ड वाली प्रॉम्प्ट है उसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है रिमिक्स पे। ये देखें, ये वाली प्रॉम्प्ट को हम जो है डिलीट कर देंगे। तो हमें जो है यहाँ पे एक न्यू प्रॉम्प्ट चाहिए होगी। आप प्रॉम्प्ट खुद से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप क्रिएट नहीं करना चाहते तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रॉम्प्ट एक पेस्ट कर दिया और वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे कि ये प्रॉम्प्ट है, मैंने डिज़ाइन किया, इसको आप जनरेट करेंगे। ये देखें, जैसे हमने इसको जनरेट किया है, हमारे पास ये फोर पिक्चर्स आ गई हैं और यहाँ पे जो है हम चूज़ कर लेते हैं ये वाली। इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ एक या दो पिक्चर्स काफ़ी नहीं है, हमें काफ़ी पिक्चर्स चाहिए होंगी। तो हमें कोई इंस्टाग्राम अकाउंट फाइंड करना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हों और रील्स अवेलेबल हों। तो उसके लिए हम लोग इंस्टाग्राम पे चलते हैं। तो ये हम आ गए इंस्टाग्राम में, आपने सर्च पे जाना है और यहाँ पे जाके कोई भी मॉडल्स आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट चूज़ कर सकते हैं जो एआई अकाउंट है, ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है पिक्चर्स वो डाउनलोड कर लेंगे।
छः सात पिक्चर्स डाउनलोड कर लेंगे और दो तीन जो रील्स हैं वो हम डाउनलोड कर लेंगे। तो पिक्चर्स और रील्स को डाउनलोड करने के लिए कोई भी जो इंस्टाग्राम का डाउनलोडर है उस पर हमें जाना होगा। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे स्नैप इंस्टा ऐप, ये जो पहले वाला है इसको आप ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे जो है आपने जो आपका अकाउंट था, लेट्स से कि हम जो है ये वाली पिक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका लिंक आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, फिर आपने इसको डाउनलोड कर लिया। आप इसको डाउनलोड कर लें और ये सेकेंड वाली को भी डाउनलोड कर लें। इसके बाद दोबारा से हम अकाउंट पे आते हैं और यहाँ से हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। दोबारा से वापस आते हैं यहाँ पे, इसको डाउनलोड, इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको डाउनलोड कर लें और इसको डाउनलोड कर लें। तो ये थी, हमने पिक्चर्स डाउनलोड की हैं। अभी हमें इन्फ्लुएंसर मॉडल के लिए हमारा जो अकाउंट है जो हम नया क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमें रील्स भी चाहिए होंगी। तो रील्स भी आप यहाँ से जो है जैसे कि ये है, इसको भी हम जो है यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इधर जाके पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट डाउनलोड, डाउनलोड वीडियो, और दोबारा से जाते हैं अकाउंट पे, इसको भी जो है हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, फिर दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और जो सारे स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये वाली पिक्चर्स जो हमने डाउनलोड की हैं इंस्टाग्राम अकाउंट से और जो पहले वाली AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं उसको हमने फेस स्वैप करना है। फेस स्वैप करने के लिए एक वेबसाइट है, वहाँ पर हमें आना पड़ेगा जो कि है discord.com। ठीक, इसका जो लिंक है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे जो है मेन पेज में आ जाएंगे। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे स्लैश सेव आईडी, इस पर आपने क्लिक करना है और जो इमेज हमने डाउनलोड किया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन सोर्स इमेज होगा जो हमने AI Leonardo.ai से जनरेट किया था वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है आप इसको एक नाम दे देंगे, लेट से सैंपल, सैंपल का नाम लिख के आप इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद आप स्लैश स्वैप आईडी करेंगे और यहाँ पे आप अपलोड करेंगे जो हमने पिक्चर्स डाउनलोड की हैं। लेट से हम इसको कौन सा देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं ये वाला, फिर आप इसको एंटर करेंगे, सैंपल तो ये जो सेम इमेज है जो हमने AI से जनरेट किया था और इंस्टाग्राम अकाउंट से सेव किया था वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको आपने सेव कर लेना है। इसी तरह जो है आपने दोबारा से स्टेप को रिपीट करना है, अपलोड,
जो हमारा सेकंड इमेज था, सेकंड इमेज हम जो है दोबारा से जाके अपलोड कर सकते हैं, और सेकंड दोबारा जाते हैं हम उस पे लियोनार्डो पे। इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद दोबारा जो है हम वापस चलते हैं डिस्कॉर्ड पे। जो मेन इमेज है, सोर्स इमेज, उसको दोबारा से आप नाम दे दें, ठीक है। और अभी आप स्लैश स्वैप, इसको स्वैप करेंगे हम। जो यहाँ पे दूसरी पिक्चर है उसको हम स्वैप कर लेते हैं, इसको देखते हैं ये कौन सी है। Ich zeige euch jetzt, wie ich meine. चाहिए तो हमारी रील है, लेकिन यहाँ से हम कोई चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से ये वाली चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमने फेस स्वैप किया है, और एग्जैक्टली द सेम जो हमने एआई जनरेट मॉडल को जनरेट किया था उसी तरह का ही सेम जो है हमें यहाँ पे मॉडल मिल गया है, ठीक है। लेकिन ये जो एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं ये काफ़ी नहीं है इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स लेने के लिए और अपने आपका जो अकाउंट है उसको मोनेटाइज करने के लिए। तो उसको मोनेटाइज करने के लिए आपको इंस्टाग्राम रील्स चाहिए होती हैं, तो इसलिए जो है हमने रील्स भी पहले डाउनलोड की थी, और रील्स को भी आपने जो है फेस स्वैप करना है। फेस स्वैप करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको गूगल क्रोम नोटबुक चाहिए होगा जो कि कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको कनेक्ट करना है यहाँ से, तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने सबसे ऊपर आना है और यहाँ से इसको प्ले कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जो है रन होने में, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो है हमारा हमारी जो सोर्स इमेज है और टारगेट वीडियो है जो कि रील्स है उसको हम अपलोड कर लेते हैं। उसको अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पे आना है फाइल्स, तो उसके बाद आपने अपलोड पे आना है यहाँ पे, और जो हमारी वीडियो है वो हमने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। लेट्स से हमने कौन सी वीडियो डाउनलोड की थी, अच्छा इसको हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, और सेम जगह पे जो है हमने जो इमेज है उसको भी अपलोड कर देना है। ये वाला जो इमेज है इसको ले लेते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके ये जो फाइल का नेम है वो आपने चेंज कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपलोड होने में, तो उसके बाद हमें जो है ये दोनों फाइल्स इसको रीनेम करना है। इसको हम रीनेम कर देते हैं पिक डॉट जेपीजी, और ये जो वीडियो है इसको भी हम लोग जो है रीनेम कर देते हैं।
ठीक है, हमने जो स्पेशल करेक्टर्स और स्पेसेस है उसको रिमूव कर दिया, और उसके बाद जो हमारा ये वाला प्रोसेस है ये स्टिल रनिंग कर रहा है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट के करीब। ठीक है जी, ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे आना है, डाउनलोड मॉडल, और आपने यहाँ पे इसको रन कर देना है। ठीक है, इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। और अभी जो है हमें फाइनल स्टेप की तरफ आना है, और फाइनल स्टेप में आने के लिए हमें जो है नोटबुक डायरेक्टली वहाँ पे जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पे आना है, जो वीडियो वाली हमारी फाइल है यहाँ पे हमने 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी पाथ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने जो है ये टारगेट फाइल पे आना है, ये जो जगह है यहाँ पे आपने क्लिक करके और उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये सोर्स इमेज पाथ पे आना है, तो जो दोबारा से जाके जहाँ पे हमने अपनी जो पिक्चर उसको सेव किया था, फिर आपने कॉपी पाथ करना है और यहाँ पे आपने इसको जो है पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये सब करने के बाद फिर आपने रन बटन पे क्लिक करना है। ठीक है जी, ये देखें हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, प्रोसेसिंग टू वीडियो सक्सीड। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा वीडियो डॉट MP4 के नाम से, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी वीडियो कैसी जनरेट हुई है। Low while I pop a bottle off of your chain, swinging clang clang, and it costs a lot. The more keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop a low. Mama call. ये देखें कितनी जबरदस्त किस्म की जो है हमने वीडियो जनरेट की है एआई को यूज करते हुए। ठीक है, अभी हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ चलते हैं। क्रिएट पे चलते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, डाउनलोड्स, वीडियो, नेक्स्ट। अगर आपने यहाँ से ट्रिम भी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कवर फोटो आपने सेलेक्ट करनी है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने आपके पास कोई कंप्यूटर पे सेव है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन जो है आप इजीली चैट जीपीटी से जाके जनरेट कर सकते हैं। लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी, एडवांस सेटिंग। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप एआई फोटोज़ और वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो को रैप अप करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अगर आपने यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स और वीडियोस को जनरेट करना है, सेम आपने ऐसे अपलोड पे आना है। यहाँ पे आके लेट से आपने जो है यहाँ पे हमारे पास दूसरी पिक्चर कौन सी थी, ये वाली थी, इस पे आपने क्लिक करना है। और सेम आपने यहाँ पे आके 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी पाथ करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने कंटेंट और टारगेट वाली जगह पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से रन कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई है, और आपने प्रॉपरली सीख लिया है कि आपने जो है एआई को यूज़ करते हुए इन्फ्लुएंसर अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे आपने जो है पिक्चर्स को जनरेट करना है और रील्स को जनरेट करना है। इससे आप यूज़ करते हुए आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।